शाहपुरा के जाजपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें अमरगढ़ किले से जगमोहन मंदिर की नीलम प्रतिमा चोरी हुई है। शाहपुरा के जाजपुर से यह बड़ी खबर है। ग्रामीणों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख किया विरोध प्रदर्शन। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन पहुंचा मौके पर। जाजपुर से ये बड़ी खबर है जहां अमरगढ़ किले से जगमोहन की प्रतिमा चोरी हुई है। उपाधीक्षक अजीत सिंह मेघवंशी कर रहे हैं पूरे मामले की जांच। कुछ सालों पहले भी इसी प्रतिमा की हुई थी चोरी। नीलम की प्रतिमा बताई जा रही है बेशकीमती। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जाजपुर से हमारे संवाददाता आजाद नेब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आजाद नेब जी बताइए, क्या कुछ पूरा मामला है अमरगढ़ किले से जगमोहन मंदिर की जो नीलम प्रतिमा है वो चोरी हुई है? जी, ये हमारे जाजपुर से 22 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित जगमोहन मंदिर है जी। वहां पर ये ठाकुर जी की मूर्ति है जी। ठाकुर जी सर, तो ये मूर्ति सर पहले भी इसकी चोरी हो चुकी है जी। और अभी देर रात को इस मूर्ति को वापस चोरी करने में चोर कामयाब रहे हैं जी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर चौकी चौकी होने के बावजूद भी लोगों का कहना है ग्रामीण चोर अंजाम देके फरार हो जाते हैं जी। पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता है जी। इसके चलते उन्होंने रोष ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है और इस रोष के चलते उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जी जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए, जारी रखिए आप। बंद रखने के साथ ही पुलिस उपाधीक्षक अजीत सिंह मेघवंशी, सकरगढ़ थाना अधिकारी जी मौके पर, मैं जाते के मौके पर पहुंचे हैं, ग्रामीणों को शांत किया है जी और उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मूर्ति वापिस हासिल की जाएगी। और तकरीबन 10 से 12 वर्ष पूर्व भी इसी मूर्ति को जी चुरा के लगे गए थे और ये बूंदी बूंदी जिले से वापिस बरामद की गई थी जी। जी आजाद जी, मुझे एक बात बताइए कि जो अमरगढ़ किले में से जो जगमोहन मंदिर है वहां से जो प्रतिमा चोरी हुई है, तो वहां पर पुलिस ने अभी कुछ क्या कुछ जांच की है कि उन्हें कुछ सुराग हाथ लगे हैं चोरों के? पुलिस ने स्क्वाड टीम बुलाई है जी, उस वो पता करेगी किस दिशा से आए हैं जी और लोग के माध्यम से पता लगाया जा रहा है सर जी। और एक मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जो ग्रामीणों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है, तो ग्रामीण अभी क्या कुछ मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जाजपुर में चौकी भी है? अमरगढ़ में चौकी है सर जी, अमरगढ़ में। ग्रामीणों का कहना है कि चौकी होने के बावजूद भी ये दूसरी बार इसी प्रतिमा को दूसरी बार चोरों ने इसका हाथ साफ किया है जी। मैं आपसे ये चलते लोगों में रोष है जी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जो प्रतिमा चोरी हुई है उसकी अनुमानित कीमत कितनी होगी, अगर आपको पता हो तो? सर ग्रामीणों का कहना है कि ये नीलम की मूर्ति है जी और इसके दोनों हाथों पर चांदी का अर्क लगा हुआ है जी, तो इसी के चलते इसका नीलम का की नीलम पत्थर होने की वजह से बेस कीमती है जी, इसकी कीमत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और फिलहाल जो जानकारी आपने हमें दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे, अमरगढ़ किले से जगमोहन मंदिर की नीलम प्रतिमा चोरी होने से ग्रामीणों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। साथ ही उपाधीक्षक अजीत सिंह मेघवंशी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले भी इस प्रतिमा की चोरी हुई थी और यह प्रतिमा नीलम की बताई जा रही है जो कि बेस कीमती है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 21।